मंगलवार से बरस रहे मेघों ने बुधवार की रात से गुरुवार सुबह तक शहर में मानो तांडव मचा दिया। मॉनसून पूरी तरह से विदर्भ पर सक्रिय है, वहीं अब रात भर बरसे भारी बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार ऊपर स्थित कम दबाव का क्षेत्र मंगलवार को खिसककर महाराष्ट्र के ऊपर स्थित हो गया है। इससे जुड़ा मानसूनी चक्र समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है तथा ऊपरी स्तर पर दक्षिण पश्चिम की ओर झुका और पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में भी भारी बारिश हो सकती है, जबकि विदर्भ के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। कई स्थानों पर अत्यधिक ज्यादा वर्षा की चेतावनी जारी की गई। अभी अगले 24 घंटे भी जो है विदर्भ में अच्छी बारिश की संभावना है, क्योंकि एक लैंडमार्क लो प्रेशर एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ के ऊपर में अभी स्थित है और वो बाद में आगे बढ़ के मध्य प्रदेश होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ेगा। तो आज जो है और विदर्भ के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है। आज भी हमने रेड अलर्ट दिया हुआ है चंद्रपुर और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, ऑरेंज अलर्ट है नागपुर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, इसमें ऑरेंज अलर्ट है। तो अभी 24 घंटे के बाद में थोड़ा बारिश में कमी आ जाएगी, लेकिन 28 तारीख को भी भारी वर्षा की चेतावनी रहेगी। 29 के बाद से बारिश में थोड़ा थोड़ा कमी आना शुरू होगा और 30 और 31 को काफ़ी कमी आ जाएगी। कितने टक्के बरसात हुई रात भर में ऐसे? अभी तो बारिश जो है 100% से ऊपर हो गई है, मतलब अभी प्लस में चल रहा है। हमारे यहाँ पे 10% ऊपर चल रहा है विदर्भ में। पूरे विदर्भ में मूसलाधार बारिश जारी है, कई नदी नाले उफान पर है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कई मकान ढह गए हैं। नागपुर शहर समेत जिले भर में जारी भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बीती रात भी भारी बारिश झेलने के बाद अब अगले 24 घंटों में फिर एक बार संकट के बादल बरस सकते हैं। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।